नटवर लाल के नाम से आम आदमी और पुलिस प्रशासन सब परेशान है, तो उसमें जब ये छपता है कि एक और नटवर लाल पकड़ा गया 420 फ्रॉड के किसी भी केस में, अक्सर नटवर लाल का करीब करीब हमेशा ही नाम लिया जा रहा है। ये सब नटवर लाल के शब्द को अच्छे से, अच्छा नटवर लाल शर्मा जाए, इसकी 420 देख के तो नटवर लाल, अरे वाह नटवर लाल का क्या रोल है इसमें, नटवर लाल का तो मेरे हिसाब से तो कहीं कोई तुक नहीं है। हम बोलते हैं कि नाम में ही सब कुछ है, तो नाम का ही दुरुपयोग होना मेरे हिसाब से कदाचित उचित। आमतौर पर जब भी ठगी की कोई वारदात होती है या किसी तरह का कोई फ्रॉड होता है तो एक बात सामने आती है कि नटवर लाल पकड़ा गया, और हम सब के जेहन में ये बात आती है कि नटवर लाल जिसका मतलब होता है महाठग। और इसी नटवर लाल शब्द को लेकर रायगढ़ शहर के एक शख्स ने आपत्ति दर्ज कराई है, बकायदा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उस शख्स ने हाईकोर्ट से ये कहा है कि इस नटवर लाल शब्द पर पर बैन लगाया जाए, क्योंकि इस शब्द से कहीं ना कहीं उनकी छवि है और उनके जैसे तमाम ऐसे लोग जिनका नाम नटवर लाल है उनकी छवि धूमिल हो रही है। और वो शख्स मेरे साथ इस समय मौजूद हैं और दो दिन पहले उन्होंने ये याचिका दायर की है, उस संबंध में भी उनसे बात करूँगा। आपका नाम नटवर लाल है, आपने याचिका दायर की है हाईकोर्ट में, ये बताइए कि मंशा क्या है इसके पीछे? नटवर लाल के नाम से आम आदमी और पुलिस प्रशासन सब परेशान हैं, और नटवर लाल खुद मैं अपने नाम से परेशान हो गया हूँ, क्योंकि मैं जब भी मैं कोई टीवी न्यूज़ पेपर पढ़ता हूँ, मेरे आदत है, रूटीन है, मैं पेपर डेली पढ़ता हूँ, तो उसमें जब ये छपता है कि एक और नटवर लाल पकड़ा गया 420 फ्रॉड के किसी भी केस में, अक्सर नटवर लाल का करीब करीब हमेशा ही नाम लिया जा रहा है, जो कि गलत परंपरा है। आप हर्ट होते होंगे ना उस समय जब आप फैमिली के साथ बैठे हों और उस वो नाम आता है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि आप का भी नाम नटवर लाल है तो आप भी हर्ट होते होंगे। हमारी धार्मिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक हितों पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। नटवर लाल जो शब्द है, नटवर जो शब्द है वो भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, भगवान श्री कृष्ण को नटवर नागर कहते हैं, और इसीलिए एक समय में 70-80 साल पहले जब किसी बच्चे का जन्म होता था तो उस समय भगवान के नाम पे बच्चे का नामकरण किया जाता था। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस समय तकरीबन आपकी उम्र भी लगभग 70 के आसपास होगी, नहीं 57 साल के आसपास इनकी उम्र है। और इनका कहना है कि इनके माता पिता ने भी उस समय धार्मिक भावना के साथ नटवर लाल इनका नाम रखा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरह से लगातार ठगी की वारदातों के रूप में नटवर शब्द को यूज़ किया जाने लगा, तब लोगों ने अपने बच्चे का नाम नटवर रखना बंद कर दिया है। और कहीं ना कहीं इन शख्स को इस बात से काफ़ी आपत्ति है कि इस शब्द का गलत उपयोग हो रहा है। कैसे आपके मन में आया और कि आपको कैसे लगता है कि हाईकोर्ट जो है इसमें आपकी मदद करेगा, आपको न्याय मिलेगा? ये काफ़ी दिनों से मन में एक उथल पुथल सी चल रही थी। कोई भी अचानक से आता है तो ऐसा नहीं कि आदमी माननीय न्यायालय के दरवाजे पहुँच जाए, एक विचार, एक मन में कुंठा, एक मन में असमंजस की स्थितियां भी बनी हुई थी कि चलिए हो गया, अब इसके बाद में नहीं होगा। पिक्चरें भी बनी, मिस्टर नटवर लाल, राजा नटवर लाल, तो इस तरीके से नटवर लाल का नाम को एक रूटीन में, एक परंपरा के तौर पे लिया जाने लगा है। मैंने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को दिए हैं, उसमें हमने नेट से कुछ डाउनलोड किए हैं, अगर आप देखेंगे तो अभी अभी जो एक ये IAS ट्रेनी का जो प्रकरण है उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, तो ये यहाँ पर उसमें भी ये सब नटवर लाल के शब्द को अच्छे से, अच्छा नटवर लाल शर्मा जाए, इसकी 420 देख के तो नटवर लाल, अरे वाह नटवर लाल का क्या रोल है इसमें, नटवर लाल का तो मेरे हिसाब से तो कहीं कोई तुक नहीं है। मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसा कोई भी शख्स पूरे दुनिया में नहीं होगा जो नटवर लाल के नाम से किसी के ऊपर ठगी का आरोप तय हुआ हो, मुझे ऐसा नहीं मालूम, जानकारी में मेरे नहीं है, हो सकता है कहीं कुछ हुआ हो पूरी दुनिया में, पर कोई रूटीन में ऐसा कोई नटवर लाल का नाम 420, कोई नटवर लाल नाम का शख्स ने किसी को कोई 420 किया हो ऐसा नहीं लग रहा। अभी आप देखिए बंटी बबली एक नया प्रचलन हो रखा है, तो इस तरीके से लोगों का, हम बोलते हैं कि नाम में ही सब कुछ है, तो नाम का ही दुरुपयोग होना मेरे हिसाब से कदाचित उचित। आपने एक वाक्या बताया कि अमिताभ बच्चन ने भी नाम को लेकर, तस्वीर को लेकर आपत्ति दर्ज की थी और कोर्ट ने संज्ञान लिया था, तो आपको लगता है कि शायद इसी तरह आपके याचिका पे भी कोर्ट संज्ञान लेगा? उसी तरह नहीं तो भी एक, मतलब भाई मेरे हिसाब से ये केस को, वो तो वो अमिताभ बच्चन का एक व्यक्तिगत मामला है और ये जो मामला है मेरा ये एक सामान्य साधारण, वो एक पर्सनालिटी है,
वो एक सेलिब्रिटी हैं, हम लोग एक सामान्य लोग हैं। बीच में मैं कपिल शर्मा के शो पे भी मेरा काफ़ी बड़ा शो हुआ था, मैं साथ में था कपिल शर्मा के, तो उसमें अर्जुन कपूर ने भी एक मजाक के तौर पे, अरे आपका तो नाम भी बड़ा अच्छा है नटवरलाल अग्रवाल, एक टोंडिंग कहीं ना कहीं, अरे नटवरलाल आ गया, अरे नटवरलाल अग्रवाल, इतना ठग के साथ में उसको जोड़ देना उचित नहीं है। इन शख्स की जो समस्या है, इनकी जो फीलिंग है उसको समझिए कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि किसी के नाम का गलत उपयोग नहीं होना चाहिए, चाहे नटवर की बात करें चाहे बंटी बबली की बात करें। अगर माता पिता ने नाम धार्मिक भावना से या अच्छी सोच के साथ रखा है तो उस नाम को बाकायदा इज्जत के साथ लिया जाना चाहिए। और शायद यही वजह है कि नटवरलाल अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, न्याय के लिए दरवाज़ा खटखटाया है। इनको पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट उनकी इस अपील को स्वीकार करेगा और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। हम भी यही चाहते हैं कि जिस तरह से नामों का दुरुपयोग हो रहा है वो दुरुपयोग बंद हो और इज्जत के साथ इन नामों को लिया जाए। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, आईवी 24, रायगढ़।